बेस्ट मोमेंट्स ऑफ आयरन मैन। तो आयरन मैन के कुछ ऐसे भी मोमेंट्स हैं जो आयरन मैन यानी टोनी स्टार्क कभी भूल नहीं सकता है, जो उसे आज तक सबसे ज्यादा पसंद आया है। पर वह नंबर वन है बिल्डिंग द मार्क वन सूट। तो इस में हम देख सकते हैं जब उसने स्कार्प मेटल से मार्क वन सूट बनाया था, जो उसके कैरेक्टर को आइडेंटिफाई ही नहीं बल्कि उसको एक न्यू कैरेक्टर में तब्दील कर देता है, यानी टोनी स्टार्क आयरन मैन बन जाता है। एंड दिस मोमेंट मार्क्स द बर्थ ऑफ आयरन मैन एंड सेट्स द स्टेज फॉर हिज सुपर हीरो करियर। नंबर टू है आई एम आयरन मैन। ये डायलॉग तो आपने सुना ही होगा। तो जब इस डायलॉग टोनी स्टार्क ने कॉन्फिडेंटली पब्लिक के सामने कहा था तो उसे बहुत ज्यादा अच्छा लगा था। इसके बाद उन्होंने पूरी तरीके से अपनी सुपर हीरो आइडेंटिटी डिक्लेयर कर दी थी पब्लिक, मीन्स पब्लिक के सामने। नंबर थर्ड है बैटल ऑफ न्यूयॉर्क। तो देखो आयरन मैन 3 में देखा तुम देख चुके होगे कि आयरन मैन को न्यूयॉर्क का बैटल याद करने का भी मन नहीं करता था, बिकॉज तुम जानते हो कि जब वो मिसाइल लेकर दूसरे दुनिया में घुस गए थे, ऑब्वियसली उनको लगा था कि उनका डेथ हो गया, बट ऐसा हुआ नहीं था। बट हैप्पी एंडिंग के साथ मूवी एंड हो जाती है। और चौथा है जब आयरन मैन मार्क 42 को क्रिएट कर रहा था, वो सीन किसको याद नहीं, मेरा वन ऑफ द फेवरेट सीन है जब मार्क 42 बन रहा था, बिकॉज कि जैसा कि मैंने बताया है, जो भी मेरे सब्सक्राइबर ने पता होगा कि मुझे मार्क 42 बहुत ज़्यादा पसंद है। उस टेस्टिंग के दौरान उन्हें यह भी पता चला था दैट ही इज़ द बेस्ट। पांचवा है जब उन्होंने अल्ट्रॉन को क्रिएट किया था। अब देखो पहला बात तो उस पर बहुत बड़े तरीके से काम चल रहा था, बिकॉज कि वो अल्ट्रॉन को क्रिएट तो नहीं करना चाहते होंगे, जितने भी मार्वल फैंस हैं उनको तो पता ही होगा, जिसने जार्विस को तबाह कर दिया। लेकिन जब अल्ट्रॉन बना तो सिंपल बात है, जितना उन्हें दुख हुआ था उतना ज़्यादा उन्हें खुशी भी हुई थी, जो मूवी में नहीं दिखाया गया है। 0.1 तो खुशी हुई थी, बिकॉज कि उनको खुद पता नहीं था टोनी स्टार्क को कि उनका टेक्नोलॉजी कितना खतरनाक है। उसके बाद एज ऑफ अल्ट्रॉन का ही सीन आता है बैटल विद द हल्क बस्टर्ड। और तुमको पता ही होगा कि हल्क बस्टर वन द पावरफुल आर्मर में से एक है जो टोनी स्टार्क के पास है, क्योंकि एक फैंस के लिए आइकॉनिक मोमेंट बन गया था, विच सिग्निफाइज अडेप्ट एंड फेस इवन द मोस्ट डेंजरस चैलेंजेस। उसके बाद आता है जब कैप्टन अमेरिका से फाइट हो रहा था सिविल वॉर के लास्ट सीन में। ये मोमेंट इतना खतरनाक था कि फैंस तक को हिला कर रख दिया था, बिकॉज कि ऐसा कभी अज्यूम तक नहीं किया गया था। लेकिन सिंपल बात है, कॉमिक पढ़ने वाले और कार्टून से देखने वाले को ये चीज़ पहले से पता थी। उसके बाद आता है हमारा पीटर पार्कर से जो गलती हो गया था होमकमिंग में, बिकॉज कि बोला तो था वो बैंड क्लास के लिए जा रहा है, बट कहीं और ही बैंड बजा रहा था। मेरे कहने का मतलब है कि वो लोगों को बचा रहा था अपने हिसाब से, जब तक आयरन मैन आ नहीं गया। वो आइकॉनिक डायलॉग तो याद ही होगा, अब इसके बाद मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देने वाला हूँ। उसके बाद आता है आयरन मैन वर्सेस थानोस, वो आइकॉनिक फाइट सीन जो ब्लीडिंग एज आर्मर से लड़ी गई थी विद द हेल्प ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। और ये सीन में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। जो एंडिंग सीन था आई एम आयरन मैन लास्ट वाला सीन, जब उनका डेथ हो गया, क्या पता नहीं मुझे अच्छा नहीं लगता बोलते समय। उसके बाद फिर से लास्ट वाला सीन आता है लव यू 3000। ये तो तुम्हें पता ही होगा, जिसके बारे में मैंने अपने शॉर्ट वीडियो में बताया कि आयरन मैन को कैसे पता चलता है कि उसकी बेटी किधर बैठी हुई है, बिकॉज ऑफ हिज वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल टेक्नोलॉजी। हाँ भाई, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के वर्ल्ड के हिसाब से बोल रहा हूँ, अपनी रियल दुनिया के हिसाब से तो नहीं बोल रहा हूँ। सो लेट्स गो बेबी टू द लास्ट वन, कि आयरन मैन को भी मर नहीं सकता है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज कि मैं आयरन हार्ट को देखने के बाद बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ था। सो अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए मार्वल से रिलेटेड, या तुम्हें मूवी की एक्सप्लेनेशन चाहिए जो भी मैं डाला नहीं हूँ, मतलब डालने वाला हूँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप सो कि वो एक एक्सप्लेनेशन वीडियो हो एक मूवी की, और उससे रिलेटेड फैक्ट्स भी मैं उसी में बताने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए बाय।